राम राम सारे ने, मैं होता रेगुलर कुसुम गोए। तो और ईब जो पछे ही एक मामला देखा था हमने कुराड़ गांव का, वो लोग जो है भूले भी कौन थे कि पानीपत में एक पूरा मामला जो है देखने ने मिला दिवाली वाले दिन, किस तरीके तय 7 साल की मासूम सी बच्ची गिल दरिंदगी करके उसकी हत्या कर दी गई। वो मामला की पुष्टि जो है यानी कि छानबीन जो है पुलिस करण लग रही है। फिलहाल मेरे साइड में जो लड़की थी उसकी मम्मी है, माता जी है, और मेरे साइड में नारी तो नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्ष जो सविता आर्य है, जो मतलब टाइम टाइम पे अपने कार्य करती रहे यानी कि समाज सेवा भी करती रहे, और जो बेटिया का मतलब कोई भी बेटिया के प्रति बहुत स्नेह है इनका, तो भैया न्याय दिलाने खातर हमेशा आगे रहे है। तो भाई इन तक पूछेंगे माता जी तक कि भाई के कुछ मामला था उस दिन, कुकर होया कोई इनका घर आया था या कोई और बात थी, क्योंकि दिवाली वाला दिन था, लोग तरह तरह की बातें कवे हैं यानी कि कुछ और भी कवे हैं। तो जी राम राम। जी राम राम। अच्छा जी किस दिन की बात है यार, थोड़ा तेज बोलियो और सारा बताइयो। दिवाली का दिन। अच्छा दिवाली। हाँ। बड़ी दिवाली। हाँ बड़ी दिवाली। हाँ कुकर। हाँ। के मतलब वह लड़की कैसे कब आई थी, सुना है कि भाई दो दिन पहले। हाँ, दो दिन शनिवार को आई थी वो। शनिवार। हाँ। पहले तो बताओ वह लड़की आपकी मतलब पहले हस्बैंड की। हाँ, वो है अपने बारे में बताओ पहले। हाँ जी मेरे पहले हस्बैंड की थी, दो लड़की। ठीक है। वो सबसे बड़ी थी। अच्छा और एक और थी वो दूसरी। हाँ वो एक और थी। वो दूसरी कहाँ फिर? वो बीमार हो गई थी लुधियाना में। अच्छा अच्छा। तो हम उसको गांव जाके इलाज करवाया, तब भी नहीं अच्छी हुई। अच्छा, तब खत्म हो गई वो शनिवार को। अच्छा उसकी भी डेथ। हाँ। और ये जो बड़ी लड़की थी ये कब आई थी? ये तो अभी शनिवार को ये भी आई थी। अच्छा। दो दिन दीपावली मेरे बोली मम्मी मैं तेरे साथ दीपावली बनाऊंगी, बोले ठीक है आ जा बेटी। किसके साथ आई थी? वो मेरे सास के साथ। अच्छा आपकी सास के। फिर आपका ब्याह दूसरा गिल करती है? हाँ मेरा देवर है। आपका देवर गिल करती है। तो फिर उस दिन आई मतलब आपके गिल ही थी, कब दूर हुई, कब बेरा लग गया नूर नू गुम होगी है? वो तो किस टाइम की बात है ये? यही 9 बजे की बात है। रात के 9 बजे। हाँ। रात के 9 बजे। हाँ। 9 बजे से गायब हो गई थी, खाना खाने उसको नीचे बुलाने गए। अच्छा, तब तब मिली ही नहीं वो मुझे। तब 9 बजे ढूंढना शुरू। हाँ, तब 9 बजे ढूंढना शुरू कर दिया। लास्ट टाइम कितने बजे थी तार दोरे? 8 बजे मेरे पास थी वो। 8 बजे थी। हाँ। 8 बजे खाना खुना खा के गई? नहीं खाना ना कुछ नहीं खा कर गई। अच्छा क्या क्या कह के गई थी? वो बोली मम्मी नीचे जा रही हूँ मैं खेलने, तो अभी जल्दी आ जा। मैंने बोला जल्दी आ जाना बेटे, यहाँ उधर उधर मत जाना गली में। बोली नहीं मम्मी मैं नीचे नहीं, इधर उधर नहीं जाऊंगी, अभी आ जाऊंगी। अच्छा अच्छा। फिर तुमने 9 बजे ढूंढी? फिर हमने 9 बजे नीचे आया, मैंने बोला रोटी खाने के बुला लूं जाकर। हाँ, हाँ। बहुत देर हो गई भाई नहीं आई, इतनी देर कहीं घूमती नहीं है। हाँ। आज इतनी देर क्यों लग गया उसको? तुम के जाके देख लेते हैं। फिर देखने आए नीचे, सब कहूँ ढूंढने लगे, कहीं भी वो नहीं दिखाई दी मुझे। सब गलियों में सब कहूँ कॉलोनी पूरी छान मारी, सब मेरा भाई मेरा घर वाला सब कोई जितने कॉलोनी में मतलब रह रहे थे सबने ढूंढा। फिर पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करी? पुलिस में जी प्रूफ नहीं था उसका, बोला फूटू नहीं है ऐसे वैसे नहीं है। कही ये बात की भाई प्रूफ? ऐसे मन में सोच लिया, तो हम कहने अगर जाएंगे तो बोलेंगे पागल है ये। अच्छा। हाँ इसलिए नहीं गई। फिर किस टाइम पुलिस में कंप्लेन करी? फिर सुबेरे 9 बजे 5-6 बजे गए थे हमने। हाँ सुबह 5-6 बजे गए। हाँ फिर पुलिस किस टाइम आई? पुलिस वो तुरंत आ गई थी पीछे से। हाँ फिर कुकर बेरा लगा, लड़की का शव कुकर मिला, किसने बताई? वो इतनी बड़ी सी लड़की बरस करने गई थी ऊपर, तो उसने देखा था। उसने देखा। हाँ तो उसने हल्ला मचा दिया, बोला इसकी लड़की नीचे पड़ी है। हाँ तो मैं भाग के आई, रोने लगी। हाँ ठीक। मतलब बुरी हालत में? बुरी हालत में थी, वो पैजामा जोन पहन रखा था उससे नट्टी कसी थी, चड्डी भी निकला था ऐसे, दोनों टांग इधर उधर थी। हाँ घीच इधर भी था, खून भी निकल रहा था मुँह से। खून मुँह से निकल रहा था। हाँ और शरीर भी से निकल रहा था। अच्छा। उसके द्वारा और भी कुछ सामान सामान पाया कुछ किसी और? बोल रहे थे बोतल वोतल पड़ी थी, और उस लड़की का मेरा चप्पल था, चप्पल उल्टा उल्टा सब पड़ा था उसके ने। अच्छा बोतल दारू की बोतल? जी हाँ। फिर उसके बाद पुलिस लेगी पोस्टमार्टम में? हाँ। के कुछ आया? हाँ पोस्टमार्टम ले गए, बोल रहा है सब गलत काम हुआ है। अब क्या? अच्छा अब भाई हमको इंसाफ चाहिए। तब ने किसे पे शक है? कोई से गलो, कोई दुश्मनी याडे, कोई भी नहीं। अभी तो मुझे 3 महीने आए हुए, किसी से भी दुश्मनी नहीं, किसी से भी नहीं बोलती थी मैं। अच्छा। अपने मतलब से मतलब रखती थी। कोई उल्टा से दादमी रहा दारू दूर पीने वाला या किसी और काम वाला तारा पड़ोस में? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम तो कभी देखे ही नहीं, नीचे भी नहीं जाती थी, इतना ऊपर रहती थी बस।
दो ही दिन तो हुए थे उसको लेकर बस कमरे में रहती थी, छत पर जा रही थी। तेरे तेरे हस्बैंड गेले सासू गेले कदे नु रोला होया हो कदी या तो दूसरे की है नु बुलाना कुछ कह दिया हो? नहीं ऐसा कभी नहीं उसने कहा। अच्छा वो ऐसे कहते तो शादी क्यों करते? नहीं लड़की का, क्योंकि आपका वो एक और लड़की है ना? नहीं नहीं हाँ एक और है उसका, तो उसकी है ना साल देवर की। हाँ ठीक है। उस लड़की का बदल कर छूम छूम आया हो? दारू पे आपके हस्बैंड? हाँ पीते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे पी लेते हैं। अच्छा उस दिन भी पिया था? हाँ पिया था। कब था? किस टाइम आए थे घर? वो तो 9 बजे मेरे साथ में थे। साथ में थे? हाँ। सुबह लग साथ में थे? हाँ सुबह लग, रात में ड्यूटी करके आए थे। अच्छा अच्छा। फिर कंपनी में चले गए गिफ्ट विफ्ट लेने। रात ने दरवाजा कितने बजे बंद कराया था हमने? सारा जो सारे नहीं गेट था किराएदार रहो जिस घर में वो सारे सब 8-9 बजे ले तो ढूंढ रहते रहे लड़की को। फिर 11 बजे ले सबके बंद हो गया दरवाजा। किसने बंद कराया था? वही सामने रहती आंटी। सुबह खुला कितने बजे वो दरवाजा? अब हम तो जानते नहीं, हम तो ऊपर रह रहे थे, पता नहीं। मैडम आप क्या कहना चाहोगी? परिवार वाले गुहार लगा रहे हैं जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। देखो पुलिस की टीम लगी हुई है, 5 टीम गठित कर रखी है एसपी साहब ने, और शायद एक आज या कल में गिरफ्तार हो जाएगा दोषी, क्योंकि जिस जल्द उसमें लगे हुए हैं और इनको न्याय मिलेगा। और इस परिवार की दुख की घड़ी में परिवार के साथ हूँ, जहाँ तक भी जाना पड़ेगा वो इनको न्याय दिलाएंगे। और अगर पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करती तो ऊपर भी गुहार लगाएंगे, क्योंकि एक मासूम बच्ची वह मतलब जब यूपी से आके इतनी दूर से आके जब यहाँ हमारे भरोसे ही आते हैं लोग इतनी दूर, जो मतलब पानीपत वालों के भरोसे ही, और पानीपत में इस बच्ची के साथ इस तरीके की दरिंदगी होगी, उसके बाद उसका जघन्य मतलब ये अपराध इसको बोलेंगे, और इस बच्ची को मार मतलब रेप करके और बुरी तरीके से बच्ची की जान ले ली, तो इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हूँ। इनको बोला है कि भी जहाँ तक भी जाना पड़ेगा बच्ची को न्याय दिलाएंगे और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। और जहाँ भी मैंने इनको अपना नंबर दे दिया कि जहाँ भी इनको मेरी ज़रूरत पड़े तो आधी रात को भी खड़ी हूँ, आप देख लो कि अभी 8 बजे रात के, और अब हम अभी मैं इनसे मिलने के लिए इतनी दूर आई हूँ, तो यही इनको यही आश्वासन दिया है कि भाई दुख की घड़ी में आपके साथ हूँ, आपको जहाँ तक भी जाना पड़ेगा परिवार को न्याय दिलाएंगे, और जल्द से जल्द दोषी गिरफ्तार हो इसकी पुलिस प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से भी डिमांड करते हैं। और दिन में भी आपने देखा होगा कि दिन में भी मैं आई थी और उस टाइम पे भी पुलिस प्रशासन से यही गुहार लगाई थी कि भाई दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, और उनका मतलब पूरी पानीपत की पुलिस लगी हुई है, जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। हम दिन में आए थे, आप वहाँ मिले नहीं थे, कौन ले खुद गए थे आप वहाँ से रूम में या फिर? हाँ जी आप बताओ। हम हम दिन में आए थे आपके वहाँ जहाँ पे आप रहते थे रूम में, तो वहाँ थे नहीं आप, पूरा सामान उठा के कहीं चले गए थे आप, कौन लेके गया था? अलग कमरा ले लिया, वहाँ अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता या फिर नहीं? नहीं कई बार क्या होता है कि जैसे पुलिस पे वहाँ पे जैसे किसी बच्ची के साथ दरिंदगी हो जाती है, बाहर के आदमी हैं वहाँ पे, देखो पुलिस प्रशासन तो जांच करेगी, वहाँ पड़ोसियों से भी पूछताछ करेगी और किसी से भी करेगी, फिर कहीं मीडिया पहुँच जाती है, कहीं कॉलोनी वाले, अब मान लिया पड़ोसी को किसी को पुलिस उठा ले तो बाद में तो आगे मान ले कोई, देखो उठाएं तो सब के हो गए वो, तो फिर क्या होता है कि मान वो पड़ोसियों को उठा ले जाएं, उसके बाद फिर पूछताछ के लिए जाएंगे तो वो वापस छोड़ेंगे, तो इनको आके ना बोल दें, इनको दुखी ना कर दें, इनको परेशान ना कर दें, तो अच्छा है कि पुलिस प्रशासन ने इनको दूसरी जगह छुड़वा दिया। बिल्कुल जी, बहुत सारे मामले देखने मिले हैं। क्या कहोगी आप, मतलब इतना बुरा दिवाली वाले दिन, त्योहार वाले दिन, किसी पर शक तो नहीं? जी नहीं, ऐसे कैसे शक कर लें सबके पर? बातचीत ही नहीं थी किसी से, नहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी भी नहीं। अभी तो गांव से आए, 3 महीने हुए। 3 महीने बिल्कुल भाई, बाहर के रहने वाले हैं, तो फिलहाल जो है ये इनकी गुजारिश है कि भाई जल्दी से जल्दी जो भी अपराधी है, 1 है 2 है 3 है जितने भी है, उनको गिरफ्तार करा जाए और कड़ी तक कड़ी जो है सजा दी जाए, क्योंकि 7 साल की मासूम सी बच्ची जो कुराड़ गांव का मामला था, हमने देखा ही होगा कि भाई ये फिलहाल जो है थोड़े दिन की बात है ये तो, और पानीपत में भी ऐसा मामला देखने मिला, बहुत शर्म की बात है। तो भाई फिलहाल प्रशासन तो हमारी भी गुजारिश है कि जमा तोड़ करके न इस मामले में सुलटाया जाए। राम राम।